ये तो ओम लिखा है, आत्या के हाथ पर। अब समझ आया। रुको, तुमने गौर किया? कमल का निशान आध्या के ब्रेसलेट में है, और ये बुद्ध का निशान भी उस पे है। ये देखो फूल और ओम, ये भी उसके ब्रेसलेट में है। इस ब्रेसलेट में कुछ है, इसमें जरूर कुछ है। इस ब्रेसलेट के बारे में पता करने के लिए आध्या का पता लगाना होगा, और आध्या के बारे में जानने के लिए फिर से सपना देखना होगा। कल पूर्णिमा की रात है, रूम नंबर 118 में जाकर मैं फिर से वो सपना देखूंगा, फिर सब पता चल जाएगा। क्या यार, अभी भी उसी बात को लेकर बैठा है? उस सपने से पता चल जाएगा कि आध्या कहाँ है, वो सपना है और ये हकीकत समझता क्यों नहीं है? एक आम आदमी भी इसको महसूस कर सकता है और इसका हिस्सा बन सकता है। जल्दी चल। मेरा भी सॉरी। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। जब मैं पिछली बार आया था, आपने कहा था कोई सपने में जाकर उस सपने का हिस्सा बन सकता है। क्या मैं अपने सपने में जाकर उस सपने को महसूस कर सकता हूँ? ये कोई फिल्म नहीं है जो बार बार देख लें। ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर? हो सकता है। इसे कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग। ये जागने और सोने के बीच की स्थिति है। तुम उस वक्त सपने में तो होते हो, पर तुम्हारा दिमाग फिर भी चल रहा होता है। अगर मैं ये आसान शब्दों में कहूं, इंसान का शरीर सोता है लेकिन उसका दिमाग उस वक्त भी जाग रहा होता है, मानो जैसे वो सच हो। तुम उसमें सब कुछ महसूस कर सकते हो। तुम सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो, तुम हवा और सुगंध को महसूस कर सकते हो, लेकिन इसमें एक खतरा है। लूसिड ड्रीम में घुसना आसान है, मगर उसमें 10 मिनट से ज्यादा रुकना खतरनाक होता है। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं तैयार हूं। कमरे में जाने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये सब क्या है डॉक्टर? क्या इससे मुझे सपना आएगा? ना ना, ये तो मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए है, तुम चिंता मत करो। मैं अब तुम्हें एक दवाई देने वाला हूँ, वो दवाई तुम्हारी बेचैनी कम कर देगी, दिल को शांत कर देगी और तुम्हें सपने में ले जाएगी। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ क्यों आए थे? हाँ डॉक्टर। अपना सारा ध्यान हॉस्पिटल की एंट्री पर लगाओ। ओके, जस्ट लुक एट योर वॉच, उसमें सेकंड वाला कांटा घूम रहा है। घूम रहा है, लेकिन ये सपने में नहीं घूमेगा, और इसी से तुम्हें पता चलेगा कि तुम सपने में हो। टेस्ट के लिए मैं अब 1 मिनट का अलार्म इसमें सेट करता हूं, और वो होगी तुम्हारे सपने से बाहर आने की वार्निंग। रिलैक्स, अपनी आंखें बंद करो और अपने सपने में जाओ। जल्दी आओ। हाँ सॉरी, मेरा भी सॉरी। अमेजिंग डॉक्टर, सब कुछ एकदम सच लग रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं वही हूं। अच्छा एक और बात, सपने में जो कुछ भी हो रहा है उसे बदलने की कोशिश मत करना। जो हो गया वो हो गया। ओ साला, आध्या के राज को ढूंढ लेगा। मेरी कंपनी ने जो किया, अगर वो मीडिया को पता चल गया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। जल्दी कुछ कर। आप मुझे फोन करना बंद कीजिए, उसे खत्म करके ही मैं आपको फोन करूंगा।